अस्सलाम वालेकुम। तो अभी भी मैं उठा हूँ बिल्कुल, और नाश्ता किया। तो आज 3 अक्टूबर को पहला हमारा GCSE का एग्ज़ाम है, ए लेवल के साथ GCSE भी हो रहे हैं। तो आज पेपर 2 है उर्दू का और इस्लामिक का पेपर 1 है। तो वो अभी देने जाएंगे, इस वक्त 9 बज रहे हैं और पेपर 11 बजे। लेकिन उन्होंने कहा था कि 2 घंटे पहले पहुँच जाना, लेकिन मैंने तो जाना नहीं है क्योंकि 2 घंटे पहले कुछ होगा नहीं। लेकिन सब चले गए तकरीबन अब तक, लेकिन हम फिर भी देर से ही जाएंगे। तो अभी मैं जाके तैयार होऊंगा, तो पहले हाथ मुँह धो के फिर बैग सेट करके फिर कपड़े पहनते हैं। तो ये आ गया बैग, ये मेरा स्कूल का बैग है जो मैं आज तो नहीं किया क्योंकि आज एग्ज़ाम है। तो इसमें आ गई स्टेटमेंट ऑफ एंट्री, पासपोर्ट और पेंस। ये चीज़ें वो होंगी जो टेबल पे मेरे साथ पड़ी होंगी, और पेंस इसलिए क्योंकि और किसी चीज़ का एग्ज़ाम तो है नहीं, तो पेंस ही चाहिए। अब ये बुक्स हैं, पढ़ना तो है नहीं लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए रखनी पड़ेगी। और ये इसका तो आपको पता होगा ये क्या होता है। तो जब ब्रेक होगी 2 घंटे का बीच में गैप होगा, उसमें प्रैंक करेंगे लोग। फिर ये घर की चाबी, स्मार्ट वॉच तो अलाउड नहीं है। अब इन सबको जो है बैग के अंदर डालते हैं। ये बैग पैक हो गया और इस वक्त बाहर ये सूरत हाल है। अब कपड़े पहनते हैं। तो हम पहनेंगे तो ये क्योंकि वहाँ पे एसी चलाई होती है। चलो हो गया चेंज, और ये कपड़े थे जो मैंने पहले पहने हुए थे। ये वाले मैंने अभी पहने हुए हैं, ये शर्ट सर्दियों से पीछे पड़ी थी, मैंने अलमारी के पीछे से बिल्कुल निकाली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपना नेट का वो पैकेज लेने, क्योंकि वहाँ पे फिर मैसेज कॉल पैक करने के लिए चाहिए होगा। तो ये सामने वाला वकालत तो बंद है, अब दूर वाले पे ही जाना पड़ेगा। मैंने तो पहनी हुई है सर्दियों की शर्ट, मुझे अभी से गर्मी शुरू हो गई। तो कार्ड तो मिल गया, अब दूध भी मंगवाया था हमने, वो भी ले लेते। तो अब तकरीबन 10 होने वाले और अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि अबू आएंगे और फिर हम सेंटर पे जाएंगे। तो अबू ने अभी भी कॉल किया कि वो ऑफिस से आ रहे हैं और हमारे साथ ये साहब जाएंगे। और तुम प्राइवेट दे दोगे, तुम्हारा अलग होगा एंट्रेंस शायद। तो हम जुदा हो जाएंगे पहुँचते ही, फिर वापसी में साथ होंगे। अभी कॉल हो गई है कि वो आ गए और वहीं जा रहे हैं, और अभी के बच्चों को उन्होंने बिठा दिया हॉल के अंदर। और हम एग्जैक्टली 10:24 पे स्कूल के अंदर आ रहे हैं। पिछली बार में यही आया था मैं जून में आपके एग्ज़ाम के लिए। अंदर कर दिया उन्हें ये सारे और बच्चे पहले ही आते हैं। यहाँ पे इतनी रश लगी हुई है। 2 hours later। तो अभी हमारा पहला पेपर ख़त्म हुआ है उर्दू का, और अभी 2 घंटे के ब्रेक के बाद इस्लामिक का पेपर है। तो अब ये कैफे में सब यहाँ सारे आए हुए लंच खाने जिनके पास है, बाकी सारे बाहर। यार ये होता ही नहीं है तेरा अजीब। कैफेटेरिया में बैठे हुए और घंटा पड़ा पेपर में, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, काम आएगा शायद पेपर में। और ये हमारा अजीज़ और लजीज़ दोस्त अजीज़ दोस्त बहुत ही लजीज लंच को उर्दू में क्या कहते हैं? तो अभी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये इतनी बड़ी पेप्सी मैं नहीं पी सकता, तो इसको रखेंगे, थोड़ी नॉर्मल भी हो जाएगी। और अब सारे जा रहे हैं तकरीबन, और अब यहाँ पे थोड़ी स्टडी हो चेक कर ही नहीं रही थी। तो मैंने बताया, कहते हैं मैं तुम्हें दे दूँगा जून 16। अब हम जाने वाले हैं एग्ज़ाम देने, और यार कहते हैं एग्ज़ाम के पीछे। 2 hours later। सम बाहर जा रहे हैं, कैसा हुआ पेपर? जी ठीक है। पेपर कैसा हुआ है? आ ही नहीं रहे, कैमरा में नहीं आ रहे, कैमरा ने भी रिजेक्ट कर दी। नाइस यार, पर मैंने पूछा नहीं, पूछा था मैंने लेकिन आई डोंट केयर। तो इसके वालिद साहब जो है हमें ड्रॉप करने जाएंगे। पेपर कैसा हुआ? ऐसा हुआ, यूट्यूब पे जाएगा ये वैसा। रहीम, पेपर कैसा हुआ है? क्या आसान आया था, लेकिन पेपर 2 बहुत मुश्किल आएगा। तो मैं क्या करूँ, नाचू? नाचू। मेरा जॉब कंप्लीट हो गया इतनी देर बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं पेपर्स आपके? मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे आएंगे
सब डर रहे हैं, कैमरा फोन पे सिर्फ ये बात नोटिस नहीं करो, मुझे नहीं करूंगा यार। व्हाई आर यू बुलिंग मी? अभी इंपेक्शन से 10 बजे से निकला हूँ, अभी 5:36 हो रहे हैं तकरीबन। तो मैंने सोचा ब्लॉग ऐसे बना रहा हूँ कि वॉट महीना हो गया तकरीबन और कुछ आया नहीं है, तो कंटेंट भी निकल आएगा। तो बस इतना ही था, बाकी मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।